हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं फिर से एक न्यू वीडियो लाई हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, आज कौन नहीं चाहता कि अपना फेस ग्लो करे, ग्लो ग्लॉसी दिखे, एक अच्छा सा ग्लो, नेचुरल ग्लो दिखे। सब लोग चाहते हो ना। तो इसके लिए मैंने एक अंडे से ही फेशियल किया, बहुत अच्छा सा ग्लो आया है। आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देख। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, स्टेप वन क्या करना है? पहले मैं एग वाइट लेना है, उसमें से जो येल्लो वाला तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। वो तो बिल्कुल फेस के लिए तो अच्छा ही नहीं होता ना। मतलब उसको मैं तो नहीं खाती, जो खाता होगा खाए, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं खाती हूँ। आप लोग भी स्किन केयर में तो बिल्कुल यूज मत करना, वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं होता। उसके लिए फिर मैंने वो निकाल के एक कॉटन पैड लेके पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया। मैंने वॉश करके आया था, खाली लिपस्टिक लगाया है बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था, फिर भी देखो कितना डॉट निकल रहा है। उसके बाद मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लिनजिंग किया हुआ। देखो लोग, आप लोग खुद ही देखो कितना अच्छा सा ग्लो है ना, बहुत अच्छा सा ग्लो आता है क्लिनजिंग से ही। अच्छा लगा। चलो मैं वॉश करके आती हूँ। ओके, मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से अपने फेस को। ये जो क्लीन, मतलब इसको जितने स्टेप आपको जरूर फेस को वॉश कर ही लेना। उसके लिए मैंने स्टेप टू के लिए क्या किया, नहीं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मुझे चाहिए मसूर की दाल। मसूर की दाल मतलब वर्ल्ड का सबसे अच्छा, सबसे मतलब मैं क्या बताऊँ, मसूर की दाल से जितना अच्छा क्लीन होता है ना, सारे जितने भी हैं डॉट वॉट सब निकल जाते हैं इस मसूर की दाल से। मैंने हल्का सा मसूर का दाल लिया, उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पूरा दर दरा पीसना है, पूरा पूरा एकदम पाउडर नहीं बनाना, हल्का हल्का दरदरा ही हो। उसके बाद मैंने एग लिया है उसमें और मसूर की दाल, दोनों लेके अच्छे से मिक्स करके मैं अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करूँगी। मतलब 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो स्क्रब कर, आपको खुद ही 1 मिनट में ही लगेगा कि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो गया है। आप लोग खुद ही देखो बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा स्क्रब करने से ही। पैक तो अभी बाकी ही है। वॉश गाइस, फेस वॉश करने, मैंने स्क्रब को धुलने के बाद देखो फेस पे कितना अच्छा सा ग्लो आया है। आप लोग खुद ही देखना कितना अच्छा सा ग्लो आया है। अब मैं स्टेप 3 के लिए क्या करूँगी, स्टेप 3 के लिए मुझे चाहिए बेसन चाहिए और एग चाहिए, थोड़ी सी ऑयल चाहिए, क्योंकि अंडे से थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। उसके लिए थोड़ी सी आपको ऑयल चाहिए। ऑयल कुछ भी ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल लो, लेकिन वो कैरियर ऑयल होना चाहिए। मैंने पतंजलि का बादाम वाला ऑयल लिया है, स्वीट आमंड ऑयल लिया है। देखो मुझे ऐसे पेस्ट चाहिए, उसे अच्छे से आप मिक्स कर लेना, क्योंकि मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी 5 मिनट तो लगेगा ये मिक्स करने में, पर ग्लो चाहिए तो 5 मिनट वेस्ट कर ही सकते हो ना। देखो इसे अच्छे से मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी, नेक पे नहीं लगा सकती। मैंने नेक के लिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पता ही है कि वीडियो में नेक थोड़ा ना कोई दिखाएगा, मैं इतनी भी वो नहीं ना हूँ, गांव में रहती हूँ। इसके लिए यार प्लीज़ आप लोग ना कोई भी सजेशन, अच्छा कोई रिक्वेस्ट हो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि क्या आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। गाइस देखिए, मेरा मैंने लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ दिया, तो 15 मिनट 10 मिनट में ही ड्राई होने लगता है, क्योंकि एग थोड़ा बहुत जल्दी ड्राई होता है। 10 मिनट में आपको ऐसे मुझे एकदम ड्राई नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम ड्राई हो जाएगा तो फिर आपका एग अच्छे से निकलेगा ही नहीं। अब फेस में थोड़ा सा तो बदबू आती है ना एग लगाने से, क्या कर सकते हैं। फिर हल्का हल्का मैं पूरे फेस पे मसाज करूँगी। देखिए मैंने कैसे मसाज किया है, ताकि आपका स्किन और भी टाइट यंग दिखे। और अपना अंडे से मसाज, मतलब हफ्ते में इसे ना
एक बार ही करो, हफ्ते या 15 दिन में एक बार कर सकते हो। बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा आपके फेस पे, नेचुरल ग्लो आ जाएगा, देखना आप लोग। गाइस अपना अपने मसाज के टाइम पे ना हल्के हल्के हाथ से ना मसाज किया करो, ज़्यादा तेज तेज से करोगे तो आपकी स्किन तो एकदम बैंड जो बजनी है स्किन का, इसके लिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करना आप लोग, पूरे अच्छे से इसे मसाज कर देना। पैक पैक ही है, माना कि पैक है, पर इसे हल्का सा मसाज करना है, क्योंकि मैंने मसाज स्क्रब से तो जब मैं कर नहीं सकती, क्योंकि स्क्रब ज़्यादा करेंगे तो फिर स्किन की तो बैंड बज ही जानी है, इसलिए ना स्क्रब से ज़्यादा मसाज मत किया करो। मेरा मतलब मुझे लगता है कि स्क्रब से फेस बहुत ज़्यादा स्किन बहुत पतली होती जाती है, इसके लिए आप लोग स्क्रब नहीं, मैं पैक को ही हल्का हल्का ड्राई, पूरा ड्राई नहीं करने देती, हल्का हल्का रह जाए उसी से मैं मसाज करती हूँ, उसी से मेरा अच्छा सा ग्लो आ जाता है। आप लोग देखो, चलो वॉश करके आती हूँ। गाइस देखो कितना प्यारा सा ग्लो, कितना अच्छा सा ग्लो आ गया, देखो आप लोग खुद, एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है। अब मैं थोड़ी सी अपनी फेस को टोनिंग करूंगी, टोनर मैंने लिया है गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, इसकी मैं क्या बात करूँ, इस टोनर की तो मैं मुझे तो इसकी मैं कितना सारा बोतल लगा चुकी हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं ग्रीन टी टोनर बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, उसके बाद मैंने जेल लिया है ताकि जो मेरा पोर्स जो खुल गया है उसे सील कर। देखिए मैंने अच्छे से इसे थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी, ताकि मेरे फेस को जितने भी पोर्स ओपन हो गए हैं ना उसे तो वो तो ऑलरेडी बंद हो गए, फिर भी थोड़ा वो जो भी बच गया है मैं जेल से कवर कर लूँगी। और आप ना फेशियल करने के बाद ना कोई अच्छा सा जेल लगाया करो, मैं तो गुड वाइब्स का तो बहुत अच्छा सा है, मेरे पास ऑरेंज वाला भी है एलोवेरा जेल वाला भी है, मैं यही दोनों यूज करती हूँ, दोनों अच्छा सा ग्लो आता है। उसके बाद मैंने सीरम लिया हुआ गुड वाइब्स का रोजहिप सीरम है, ये तो हर यूट्यूबर से आप इसकी गुणगान तो सुने ही होंगे, और सच में ये बहुत अच्छा है। एक तो इतनी इतनी सस्ती है, ऊपर से इतनी अच्छी सीरम, तो सबसे वर्ल्ड मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये, इतनी कम रेंज में इतनी अच्छी ना सीरम आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर्पल के अलावा कहीं नहीं, पर्पल वाले ही इतने सस्ते ना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और कोई नहीं लॉन्च कर सकता। देखो कितना अच्छा सा ग्लो आ गया ना, ये पता ही नहीं कहाँ से क्या उड़ के आ गया मुझे नहीं पता, फिर भी आप लोग खुद ही देखो कितना अच्छा सा ग्लो आ गया ना।